हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो झारखंड पाठशाला। तो दोस्तों, जितने भी बीए इंग्लिश ऑनर्स फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि टाइप्स ऑफ पोएट्री को बताने के बाद उसमें मैंने जितना भी आप लोगों को एग्जांपल दिया था, ठीक है, पोएट्री के टाइप्स बताए थे, सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, उन्हीं में से एक वीडियो है। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो है सोनेट के बारे में, ठीक है। बाकी का भी एक एक करके वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है टाइप ऑफ पोएट्री के बारे में गाइस, तो फिर आपको ऊपर के आई बटन में जो है लिंक मिल जाएगा। आप पहले टाइप्स ऑफ पोएट्री को समझ लीजिए, उसके बाद आप एक एक करके बाकी सब चीज़ों को आप समझेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, टाइप ऑफ पोएट्री में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट टाइप्स बताया था, जिसपे मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि आपको इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है पोएट्री पे, और वो है आपका सोनेट, ठीक है। तो चलिए सोनेट को मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ ताकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा ना हो जाए। और रही बात कि आप एग्ज़ाम में लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए भी मैंने तरकीब निकाल दिया है, अपने वेबसाइट में मैं लिख के डाल दूंगा, आप उसे जस्ट कॉपी कर लेना। कैसे कॉपी करेंगे वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर सोनेट में आखिर हम लोग को जानना क्या है। सबसे पहले जो वर्ड सोनेट है, वो सोनेट का मीनिंग क्या निकलता है, लिटिल सॉन्ग, ठीक है, यानी एक छोटा सा गीत। और गाइस, आपको टाइप ऑफ पोएट्री में मैंने ये भी बताया था कि जो सोनेट है वो लिरिकल पोएट्री का कैटेगरी है, ठीक है। लिरिकल पोएट्री का क्या गुण होता है, इसमें क्या क्या फीचर होती है, मैंने बताया ना, टाइप ऑफ पोएट्री को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये लिरिकल पोएट्री के अंतर्गत आता है, जिसे 14 लाइनों में लिखा जाता है। जी हाँ, इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, जो सोनेट होता है आप उसके लाइन को गिन लीजिएगा, ये 14 लाइन ही होगा, ना 14 लाइन से कम और ना ज़्यादा। गाइज, इसका जो लाइन होता है, जो प्रत्येक लाइन होता है वो 10 सिलेबल्स में, मतलब 10 सिलेबल होती है इच लाइन्स में। अब ये सिलेबल क्या है गाइज, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अब बस इतना समझ लो कि अगर एक पैराग्राफ को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो वो सेंटेंस में डिवाइड हो जाएगा, और उसी तरह जब हम सेंटेंस को तोड़ेंगे तो बहुत सारे वर्ड में डिवाइड होगा, लेकिन जब हम एक वर्ड को तोड़ेंगे तो वो कुछ छोटे छोटे टुकड़े में बट जाएगा, जिसे हम लोग सिलेबल बोलते हैं, ठीक है। वर्ड को जो वोवेल साउंड है वो तोड़ता है, एक बार, दो बार, तीन बार या एक से ज़्यादा टाइम्स हो सकता है। तो अगर हम लोग वर्ड को तोड़ेंगे तो वो एक जो टुकड़ा बचेगा उसे हम लोग बोलेंगे सिलेबल, ठीक है। इसका भी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा सिलेबल के बारे में। बस इतना जान लीजिए, जो प्रत्येक लाइन होगा वो प्रत्येक लाइन में 10 सिलेबल होगा, और जो मीटर होगा वो आयम्बिक पेंटामीटर होगा, यानी 5 मीटर का वो होगा। मीटर का भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, बस इतना जान लीजिए आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है सोनेट को। उसके बाद गाइज, बात आती है कि जो सोनेट है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, किसने इसका इन्वेंशन किया था, ठीक है, और इंग्लैंड में ये कैसे पहुँचा। तो याद रखिएगा, जो सोनेट है उसका उत्पत्ति जो है वो 13th century में हुआ था, ठीक है। 13th century में एक व्यक्ति है जिनका नाम है गियाकोमो दे लेंटिनी, ठीक है। तो गियाकोमो दे लेंटिनी जो है उन्होंने एक पोएट्री लिखा था 1230 में, जो कि सोनेट का फॉर्म का था, इसे सोनेट कहा गया, ठीक है। लेकिन लेंटिनी के नाम से यह प्रसिद्ध नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति और था जिसका नाम था पेट्रार्क, ठीक है। तो ये जो पेट्रार्क थे, इन्होंने क्या किया, उन्हीं के फॉर्म को, ठीक है, जो सोनेट की जो फॉर्म थी उसे और भी ज़्यादा मतलब डेवलप किया, यानी उसने इसे फेमस बना दिया पेट्रार्क ने, ठीक है। तो गाइज, इस तरह से जो सोनेट की उत्पत्ति हुई है वो इटली में हुई थी, यानी ये एक इटालियन फॉर्म है सोनेट, ठीक है, जिसे इन्वेंशन किसने किया था, तो गियाकोमो दे लेंटिनी ने। इसे फेमस किसने बनाया, पेट्रार्क ने। अब बात आता है कि जो इटली जो था गाइज, उस टाइम पे एक मतलब शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जहाँ पे इंग्लैंड के लोग भी जाते थे और नए नए चीज़ों को सीखते थे, स्टडी करते थे, और फिर आ करके इंग्लैंड में उसे इंट्रोड्यूस करते थे, ठीक। यही हिस्सा जो है गाइज, ये आपका 16th century में हुआ, ठीक है। 16th century में कुछ ऐसे इंग्लैंड के लोग थे जो मतलब इटली गए, वहाँ पे स्टडी किया और जाना कि एक नया पोएट्री का फॉर्म आया है जिसे सोनेट कहा जाता है, ठीक है। वो व्यक्ति थे सर थॉमस यार्ट,
अर्ल ऑफ सूरे और हेनरी हावर्ड। जो सबसे ज़्यादा नाम आता है वो सर थॉमस यार्ड का आता है, उसके बाद अर्ल ऑफ सूरे का, और उसके बाद हेनरी हावर्ड का आता है। ठीक है, तो गाइज इन लोगों ने 16 सेंचुरी में इंग्लैंड में आकर के इंट्रोड्यूस किया नए फॉर्म को, पोएट्री का नया फॉर्म जिसे सोनेट कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद इंग्लैंड में जो इसका डेवलपमेंट किया वो यहाँ पे दो व्यक्ति थे, एक थे शेक्सपियर और दूसरे थे एडमुंड स्पेंसर। ठीक है, तो इस तरह से गाइस इसका जो कैटेगरी होता है यानी सोनेट का जो कैटेगरी है उसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इटालियन जो आपका जो इटालियन जो फॉर्म है उसे पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है। ठीक है, अब इसका भी हम लोग सेपरेट में मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ कि पेट्रार्कन सोनेट क्या है। ठीक है, तो सबके बारे में बताने वाला हूँ। दूसरा है शेक्सपियरन सोनेट और तीसरा है स्पेंसरियन सोनेट। ये उन्हीं लोगों के नाम पे रख दिया गया जिन्होंने इसका डेवलपमेंट किया। जैसे पेट्रार्क ने जो डेवलप किया सोनेट को उसे पेट्रार्कन सोनेट कहा गया, शेक्सपियर के द्वारा डेवलप किया गया सोनेट को शेक्सपियरन सोनेट कहा गया, और जो स्पेंसर के द्वारा जो डेवलप किया गया उसे स्पेंसरियन सोनेट कहा गया। इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी प्रॉब्लम है गाइस, तो इसी तरह से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा था, ठीक है, कि पेट्रार्क के द्वारा डेवलप किया हुआ सोनेट को पेट्रार्कन कहा गया, पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियर के द्वारा डेवलप किए गए सोनेट को शेक्सपियरन सोनेट कहा गया, और स्पेंसरियन के द्वारा यानी स्पेंसर के द्वारा डेवलप किया गया सोनेट को स्पेंसरियन सोनेट कहा गया। ठीक है गाइज, तो एक चीज़ हमें और भी याद रखना है यहाँ पर, जो इंग्लिश में जो फेमस है सोनेट, ठीक है, उसे शेक्सपियरन सोनेट ही सबसे ज़्यादा फेमस है, इसीलिए इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरन सोनेट या शेक्सपियरन सोनेट को इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। तो चलिए आप तीनों की जो विशेषता है उसको हम लोग एक एक करके जान लें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेट्रार्कन सोनेट के बारे में, इसके कुछ टर्म्स को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना सोनेट को, मुझे तो सबसे अच्छा सोनेट ही लगता है। ठीक है, और आपको भी यही लगेगा, मैं मतलब श्योर हूँ कि आपको भी सोनेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला जब इसे आप आगे और स्टडी करेंगे तो। ठीक है, तो अभी बेसिक टर्म्स को आप जान लीजिए गाइस। जो पेट्रार्कन सोनेट है ना, ये तो समझ में आ गया कि पेट्रार्कन सोनेट इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो जन्मदाता यानी इसको फेमस करने वाले पेट्रार्क थे। ठीक है, तो इसको पेट्रार्कन सोनेट आप बोलिए या इटालियन सोनेट बोल लीजिए, ठीक है, दोनों सेम ही है, लेकिन इन्वेंटेड इसने नहीं किया था, लेकिन इन्होंने फेमस बनाया, इसीलिए ये जो है इटली में जो है फेमस हो गए सोनेट को लेकर के। ठीक है, तो इसे पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट कहा जाता है इसके सोनेट को। ठीक है, तो ये क्लियर है, इट इज ऑल्सो नोन एज द इटालियन सोनेट, इसे इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जो पेट्रार्क का जो सोनेट का जो स्ट्रक्चर यानी जो फॉर्म हम लोग देखेंगे वो है गाइस, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, यानी जो सोनेट है यानी 14 लाइन का जो पंक्ति है गाइस, इसको जो है ना दो भागों में डिवाइड किया गया जाता है। ठीक है, पेट्रार्कन के द्वारा, तो वो इसे दो भागों में लिखते हैं, एक ऑक्टाव होता है और एक सेक्सटेट होता है। ठीक है, पहला जो भाग होता है वो ऑक्टेव होता है और दूसरा क्या होता है, सेक्सटेट होता है। तो जो ऑक्टेव है गाइस ये आपका स्टेंजा है, सेक्सटेट भी एक स्टेंजा है, 8 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे ऑक्टाव कहते हैं, और जो 6 लाइन का स्टेंजा होता है उसे सेक्सटेट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑक्टाव और सेक्सटेट में ये लिखते थे, दोनों मिला करके 14 लाइन्स का हो गया। ठीक है, अब गाइस क्या है कि जो ऑक्टाव है वो ऑक्टाव भी जो था गाइस वो दो सेक्शन में बटा होता था। ठीक है, क्वाट्रेन में, तो गाइस वो क्या था, उसका जो राइम का जो स्कीम था वो था ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है, ये 8 लाइन का जो राइमिंग स्कीम था ये कुछ इस तरह से चलता था। ठीक है, ए बी बी ए बी बी ए, ये होता था इसके ऑक्टाव। अब यहाँ पे था क्या गाइस, जो पहला जो क्वाट्रेन था उसमें किसी थीम को जो है मतलब डिस्क्राइब करते थे, किसी थीम को मतलब इंट्रोड्यूस करते थे पेट्रार्क, और जो दूसरा वाला जो क्वाट्रेन होता था उसमें उसी थीम को थोड़ा सा डेवलप कर दिया जाता था, यानी उसी चीज़ को थोड़ा विस्तार से बताते थे वो। उसके बाद जो 6 लाइन बच जाता है गाइस सेक्सटेट, ठीक है, उसके 3 अलग अलग राइम स्कीम होते थे। ठीक है, या तो वो इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में होता था, तीनों को देख लीजिए, तीनों में से कोई भी एक हो सकता था, या तो वो 6 लाइन में जो है इसे यूज करते थे सी डी सी, या फिर सी डी ई, या फिर गाइस सी डी ई डी सी ई,
इस चीज़ को वो यूज़ करते थे सेक्सटेट, मतलब जो सेक्सटेट था उसमें। और उसके बाद क्या था गाइस, जो सेक्सटेट होता था तो सेक्सटेट का जो थ्री जो मतलब जो लाइन होता था उस लाइन में वो फिर से क्या करते थे, वो जो थीम जो उन्होंने बताया था, जो डेवलप किया था, उसी थीम को फिर से वो यहाँ पे उसके बारे में कुछ बताते हैं। और जो लास्ट का जो थ्री लाइन होता है गाइस, उसमें वो क्या करते हैं, कंप्लीट जो बताते हैं उस चीज़ को एक साथ रख देते हैं। ठीक है, तो ये तो है गाइस पेट्रार्कन सोनेट। इसके बाद हम लोग जो है स्पेंसरियन सोनेट को देख लेते हैं। तो गाइज स्पेंसरियन सोनेट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, ये बस आपको थोड़ा सा समझना है कि बाकी से थोड़ा सा भिन्न यानी अलग कैसे है। ठीक है, स्पेंसरियन सोनेट तो नाम से समझ में आ गया गाइज, 16th century में क्या था कि एडमुंड स्पेंसर ने जो सोनेट का इंग्लैंड में जो विकास किया उसके फॉर्म को ही जो है स्पेंसरियन सोनेट का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो स्पेंसरियन सोनेट होता था 14 लाइन जो थे उसके, वो 3 quatrain और 1 couplet में डिवाइड था, यानी टोटल 14 लाइन का होना चाहिए। तो 3 quatrain, quatrain यानी 4 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे quatrain कहा जाता है। तो 3 quatrain यानी आप समझ सकते हैं कि 12 लाइन इधर हो गई, और couplet जो है वो 2 लाइन का स्टेंजा होता है, तो दोनों मिला करके आपके हो गए 14 लाइन। ठीक है, तो ये 3 quatrain और 1 couplet में जो था वो डिवाइड होता था। इंटरलॉकिंग राइम या स्टेंजा आप इसको बोल सकते हैं, ये चीज़ इसमें देखने के लिए मिला था। आपका स्पेंसरियन जो सोनेट होता है इसमें इंटरलॉकिंग राइमिंग होता है। इंटरलॉकिंग राइमिंग का मतलब क्या होता है गाइस, चेन सिस्टम। ठीक है, यानी जब एक स्टेंजा का जब राइमिंग जिस ये से ख़त्म होता है, ठीक है, जिस राइम से ख़त्म होती है लाइन, उसी राइम से सेकेंड वाला जो है गाइस वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब सेकेंड वाला का भी ख़त्म उसी में होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राइम जो इसका पैटर्न होता था, ठीक है, इसका जो राइमिंग पैटर्न जो होता था स्टेंजा का वो होता था ए बी ए बी, ठीक है, बी सी बी सी, और उसके बाद सी डी सी डी, सॉरी यहाँ पे सी डी होता था। ठीक है, तो ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी, ठीक, ये मतलब जो शेक्सपियर का जिस तरह से डिवाइडेड होता था, मतलब उसका 14 लाइन, उस तरह से इसका भी डिवाइडेड होता था स्पेंसर का। ठीक है, जो शेक्सपियर है वो भी क्वाट्रेन लिखते थे आपका, मतलब 3 quatrain और 1 couplet में था इसका भी, लेकिन राइमिंग स्कीम इसका थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, ठीक है, शेक्सपियर से। ये क्या ना ए बी ए बी, आप देख सकते हैं कि इसका जो जैसे ये क्वाट्रेन का बी में जैसे वो ख़त्म होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो स्टेंजा होता है उसका बी से ही लिया गया, ठीक है, बी सी बी सी, फिर सी में ख़त्म होता है गाइस, तो नेक्स्ट जो क्वाट्रेन है वो सी से स्टार्ट होता है, सी डी सी डी। ठीक है, बस जो कपलेट है वो है आपका डिफरेंट, यानी ई ई है। तो गाइज इस तरह से जो है इसका राइमिंग मतलब एक दूसरे से क्या ना कनेक्टेड होता था, इसी को इंटरलॉकिंग राइमिंग मतलब पैटर्न जो है वो कहा जाता है। तो ये भी शेक्सपियर के ही तरह, बस राइमिंग जो इसका है जो वो थोड़ा क्या ना थोड़ा सा भिन्न है उससे। ठीक है, इसका राइमिंग पैटर्न जो है वो क्या भिन्न है। चलिए शेक्सपियर वाला जान लेते हैं, जो कि हम लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि उसे ही इंग्लिश सोनेट कहा जाता है और वही बहुत ज़्यादा फेमस भी है। ठीक है, तो गाइस अब आपको बता देते हैं स्पेंसर के बाद ये शेक्सपियरन वाला है गाइस। तो शेक्सपियरन वाला जो है स्पेंसर से ज़्यादा भिन्न नहीं है, दोनों में मिलता जुलता बहुत सारा चीज़ है, बट जो अलग है वो चीज़ को मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो राइमिंग पैटर्न है ना गाइस वो सिर्फ इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, और कुछ भी नहीं है, बाकी दोनों का जो है सेम लिखने का तरीका है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए गाइस, जो शेक्सपियरन सोनेट है उसे इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, यानी शेक्सपियरन सोनेट को ही इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। इंग्लिश सोनेट बोलिए या शेक्सपियरन सोनेट एक ही है। ठीक है, दूसरी बात गाइस, जो सबसे ज़्यादा सिंपल और फ्लैक्सीबल है वो इसी को माना गया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक है, जो इंग्लिश सोनेट है इसका जो बनावटी होता है, समझना जो होता है, सारा कुछ बहुत ही सिंपल होता है, तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट पैटर्न होता है इसका इंग्लिश सोनेट का। ठीक है गाइज, ये भी 3 quatrain है, हम लोगों ने देखा कि जो स्पेंसर वाला जो था उसमें 3 quatrain में लिखा जाता था। ठीक है, तो इसमें भी 3 quatrain मिलेगा और 1 couplet मिलेगा, ठीक आपका स्पेंसर वाला ही जैसा। ठीक है, लेकिन गाइज हम लोगों ने देखा जो स्पेंसर का था उसमें इंटरलॉकिंग राइम यूज़ किया गया था, और यहाँ पे अल्टरनेटिंग राइम यूज़ किया गया। अल्टरनेटिंग राइम मतलब जब एक लेटर में ख़त्म होता है तो उसके बाद वाला लेटर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए कि ए बी ए बी यानी बी में ख़त्म हुआ है ये, तो यहाँ पर सी से स्टार्ट हुआ है, सी डी आपको मिलेगा, डी में ख़त्म हुआ है तो यहाँ फिर आपका ई से स्टार्ट हुआ, ई एफ ई एफ, एफ में ख़त्म हुआ है तो फिर यहाँ पे लास्ट का जो कपलेट है वो जी जी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, जबकि स्पेंसर वाला में कुछ अलग ही था, ए बी था तो फिर वो बी सी से स्टार्ट होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस तरह का नहीं है। ठीक है, ए बी
बी में खत्म होता तो सी से स्टार्ट होता है, सी डी सी डी, डी में खत्म होता है तो फिर ई एफ ई एफ, और लास्ट का जो कपलेट होता है वो जी जी होता है। इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग राइम। तो ये डिफरेंट है आपका शेक्सपियर वाला में और स्पेंसर वाला में, ठीक है गाइस। और हाँ गाइस, कुछ चीज और आप ध्यान रखिएगा सोनेट में, आपको तो मालूम ही है कि जो इच लाइन होगा वो 10 सिलेबस का होगा और ये आयम्बिक पेंटामीटर में जो है लिखा जाता है। नेक्स्ट चीज क्या है गाइस, सोनेट का जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था वो मैं आपको अब बता देता हूँ कि गाइस जो सोनेट होता है, ठीक है, वह उसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट और रिजोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। यानी एक सोनेट में सबसे पहले किसी थीम पे, किसी टॉपिक पे जो है उसकी जो प्रॉब्लम है उस पर क्वेश्चन उठाया जाता है और लास्ट में फिर उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। तो यहाँ पे शेक्सपियर वाला में क्या है कि जब भी किसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया जाता है, किसी बात पर क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है, तो तीनों में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। तीनों जो क्वाट्रेन है ये तीनों में एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दिखाया जाता है और लास्ट का जो कपलेट है गाइस इसमें जो है उसका आंसर दे दिया जाता है, यानी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो दे दिया जाता है। तो ये है आपका शेक्सपियरियन सोनेट। तो ये तो हो गया गाइस एक्सप्लेनेशन, यानी समझाने का तो समझा दिया, और लिखने के लिए आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों रिटन नोट्स के लिए गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए जे पाठशाला, सर्च कीजिए, जो पहला नंबर पे आपको दिख रहा है जे पाठशाला प्लेस फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स, क्लिक कीजिए, आप मेरे वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। आपको यहाँ पे रिटन नोट्स मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आप अपना राय कमेंट्स जरूर दीजिएगा ताकि उस पर भी मैं काम कर पाऊँ। तो आप लोगों ने देख ही लिया गाइस, अब सारा कुछ मैं चाहता हूँ यहाँ पर लिख करके डाल देना ताकि आप लोगों को जो है लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस मुझे ज़रूरत है आपका थोड़ा सा सपोर्ट का गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और मेरे वेबसाइट पर विजिट जरूर करना ताकि मैं वहाँ पर और भी आप लोगों के लिए काम कर सकूँ। फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।